सेमीफाइनल में जाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल हो गया। जी हाँ दोस्तों, पूरा रिपोर्ट जानने के लिए वीडियो में बने रहे लास्ट तक। टीम इंडिया दुनिया का नंबर वन टीम है, हर फॉर्मेट में वो नंबर वन है, हमारे खिलाड़ी भी नंबर वन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा, क्या हम ऐसे कैच ड्रॉप करके विश्व कप जीतेंगे? कैप्टन रोहित शर्मा 10 मीटर दूर से थ्रो नहीं कर पाया, बहुत बड़ा एक रन आउट मिस किया, तो क्या हम ऐसे वर्ल्ड कप जीतेंगे? राहुल 9, रोहित 15, कोहली 12, दीपक हुड्डा 0, कार्तिक 6, अश्विन 7, सूर्या कुमार को छोड़ दे तो बाकी किसी ने भी योगदान नहीं दिया, लेकिन हमारे बॉलर ने एक अच्छा योगदान दिया, शुरू में 2-3 झटके दे दिया। याद रहे, इस तरह का बैटिंग और फील्डिंग करके आप कैच छोड़ के थ्रू नहीं करके आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, कि सेमीफाइनल का रास्ता मुश्किल है। जी हाँ बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि हमारा अगला मैच बांग्लादेश से है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, बांग्लादेश ने 2007 विश्व कप में हमें बाहर कर चुका है, इंग्लैंड को भी कर चुका है, बड़े बड़े टीम को बांग्लादेश ने बाहर किया। 2007 विश्व कप हर भारतीय के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जब शुरुआती दौर से ही टीम इंडिया बाहर हो गया था, सुपर एट में बांग्लादेश ने भारत को हरा के बाहर का रास्ता दिखा दिया था, तो इसलिए बांग्लादेश से सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।